ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਏ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ اٹਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जलंधर का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं जलंधर का विकास करवाना चाहते हैं जलंधर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाकी पंजाब की तरह जो वायदे बड़े बड़े किए थे चुनाव से पहले उससे मुकर गई है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ये केवल लगे हैं लूटने में भ्रष्टाचार करने में स्मार्ट सिटी का पैसा तक खा गए और नीचे जमीन पर दिखता कुछ नहीं है बहनें सड़कों पर उतरी हैं इंतजार करें कब जो वायदा किया था उसको पूरा करेंगे कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा दो महीनों के अंदर इनके विधायकों के ऊपर सट्टेबाजी का आरोप है भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है आखिरकार ये कैसी सरकार है अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कि आज पंजाब की चर्चा ਅਰਾਜਕਤਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਏ अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी पंजाब विच विकास अमन ते भाईचारा चाहती है जबकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब विच ही नहीं बल्कि समुचे देश विच नफरत ते वक्वाद की राजनीति करके वोटा हासिल करना चाहते ने